कोरोना संक्रमण की इस विकट परिस्थिति में इंडेक्स मेडिकल कॉलेज यहां उपचाररत मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करा रहा है। यहां के डॉक्टरों और स्टाफ की मेहनत और कोशिशों से कई कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर उपचार दे रहा इंडेक्स मेडिकल कॉलेज। परिवार के सदस्य की तरह रखा जा रहा कोरोना मरीजों का ध्यान। खुद का ऑक्सीजन प्लांट होने से नहीं है ऑक्सीजन की परेशानी। मरीजों को आसानी से उपलब्ध हो रहा रेमडेसिविर इंजेक्शन। कोरोना संक्रमण के कारण शहर के कई अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के कारण मरीजों और उनके परिजनों को परेशान होना पड़ रहा है। वहीं इंडेक्स मेडिकल कॉलेज अपने मरीजों का विशेष ध्यान रख रहा है। यहां ना तो ऑक्सीजन की कमी है और ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की। डॉक्टर और स्टाफ द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज दिया जा रहा है। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर GS पटेल के मुताबिक यहां 800 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यहां पर बेड ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की परेशानी नहीं है। अस्पताल का खुद का ऑक्सीजन प्लांट है जिससे ऑक्सीजन की कमी यहां नहीं हुई है। वर्तमान में अभी हमारे पास करीब 800 पेशेंट अभी भर्ती है और अभी ये जो सेकेंड वेव आई है इसमें हमारे यहाँ पर काफ़ी मरीज आ रहे हैं। एक खुशी की बात यह है कि जितने भी मरीज आ रहे हैं, दो तीन जब हमेशा समस्या आती है, एक तो बेड की, ऑक्सीजन की, और एक जैसा आप लोगों ने देखा कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की। किस्मत से ये हमारे पास बेड अभी सफिशियंट है। जितने भी ICU बेड भरे हुए हैं उनको यहाँ के डॉक्टर और नर्सेस और पूरी टीम पूरे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और काफ़ी पेशेंट ठीक होके जा रहे हैं। एक खुशी की बात हम और यहाँ बताने पाए कि अभी हमारे पास इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन का प्लांट हमारा खुद है, लिक्विड ऑक्सीजन है और जंबो सिलेंडर है। इस तरह से करीब 90 लाख के करीब हमारे पास लीटर पर डे के ऑक्सीजन की स्टोरेज है। इस तरह से इसकी वजह से हमको किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी की जरूरत नहीं पड़ी। दिन की माने तो सही समय पर मरीज के आने से डेथ रेट में कमी आई है। उन्होंने संदेश दिया है कि डॉक्टर की सलाह लेकर ही इलाज करें। पहले से तुलना में जो डेथ रेट है जो कम तो हुई है। दूसरी एक और चीज़ है कि मैं सभी पेशेंट और जो यहाँ से जो डिस्चार्ज होके जा रहे हैं उनके भी अनुभव जो मैं पता किया, तो अगर किसी को ऐसा कुछ लगे कि तुरंत उसकी जांच करवाएं, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें कि ये मेरी रिपोर्ट आई है, और उसके बाद में जो भी जांच करें वो डॉक्टर के सलाह से ही करें। अपनी मर्जी से कोई जांच नहीं कराए, क्योंकि वो जांच और उसके जो सिम्टम्स में फर्क आ रहा है, इसलिए डॉक्टर की सलाह ले। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अजय सिंह राठौर का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा मरीज यहां से ठीक होकर जाएं। इंडक्शन में नया ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया जिससे ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। इसके साथ ही प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत भी मरीजों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी काफ़ी एक महीने से इंडेक्स में कोविड मरीजों का इलाज चल रहा है। पेशेंट्स की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और हमने भी काफ़ी सुधार किए हैं इसमें। अभी जो पेशेंट्स की संख्या जो इतनी बढ़ी है इंदौर में, ये काफ़ी लोड इंडेक्स मेडिकल कॉलेज आ रहा है जिसका, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम पेशेंट्स यहाँ से ठीक होकर जाएं, और काफ़ी हद तक हम इसमें सक्सेसफुल भी हैं कि डेथ रेट हमने काफ़ी कम रखा हुआ है अभी भी यहाँ पे इंडेक्स में। पेशेंट्स को हम ऑक्सीजन की सुविधा मैक्सिमम प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमारे चेयरमैन साहब श्री सुरेश भदौरिया जी ने नया ऑक्सीजन प्लांट भी इंडेक्स में लगाया जिसकी कैपेसिटी 11,000 लीटर है लिक्विड ऑक्सीजन की, जिससे कि पेशेंट्स को हम काफ़ी अच्छे से ऑक्सीजन सप्लाई मेंटेन हो रही है जिसकी वजह से। प्लस इसके अलावा कम से कम 700 सिलेंडर्स भी लगे हुए हैं जिससे कि पेशेंट को कंटिन्यूस ऑक्सीजन सप्लाई हम इंश्योर कर पा रहे हैं। और इसके अलावा प्रशासन का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है, जिन्होंने कभी भी हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी है। एक समस्या ये भी आ रही है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले शहरों में इलाज के लिए इतना उत्सुक नहीं होते हैं और कई बार वो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो हमारे यहाँ ऐसे मरीजों का आयुष्मान भारत योजना के तहत बिल्कुल मुफ्त इलाज किया जा रहा है।
डॉक्टर रविजा प्रसाद राम की माने तो यहाँ ऑक्सीजन इंजेक्शन की पर्याप्त मात्रा है जो मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही है। हमारी पूरी कोशिश है कि मरीजों को ठीक कर घर भेज सके। हमारे पास जो बीच में लोगों को कमी होने लगी थी इंजेक्शंस की, ऑक्सीजन की, अब वो पर्याप्त मात्रा में आपको यहाँ मिल रही है। हम अपनी तरफ से, मैं, मेरा अस्पताल, मेरे अस्पताल की सेवाएं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आगे भी कि हम कोविड के पेशेंट्स को, उनके घर वालों को सही सलामत घर पहुंचा सके। डॉक्टर अजय कुमार सिंह का कहना है कि यहाँ मरीज की काउंसलिंग कर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। पेशेंट को ये योगा है, मेडिटेशन है, म्यूजिक है, साइकोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है और कंसल्टेंट है वो लोग भी काउंसलिंग करते हैं, जैसे फैमिली का मोरल मनोबल बना रहे और वो परिवार उनका नहीं। अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन दीपक कुमावत की माने तो यहाँ का स्टाफ परिवार के सदस्य की तरह मरीजों का ध्यान रखता है। यहाँ सभी के द्वारा काफी मेहनत की जा रही है। मेरे फादर बाबूलाल जी कुमावत इंडेक्स हॉस्पिटल में 30 तारीख से एडमिट है। जब से मैंने एडमिट किया है यहाँ का, मुझे स्टाफ के लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला है, खास करके जो जूनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जो छोटे छोटे लेडी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे, जो ट्रेनी हैं, उन लोगों ने काफ़ी कुछ यहाँ पे सपोर्ट किया है मुझे। और मैं देखता हूँ यहाँ पे वो इतनी भयानक स्थिति से भी अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखे हुए हैं और हर पेशेंट को अपनी एज ए फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आस्था निवासी विपिन गहलोत का कहना है कि पिता का यहाँ इलाज चल रहा है, यहाँ के स्टाफ ने पिता का पूरा ध्यान रखा है। मैं आस्था जिला सीहोर से हूँ। कब आए थे? मैं 26 को आया था और मेरे पिताजी को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो हम लोगों ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे एडमिट करवाया और डे बाई डे उनकी तबीयत सुधरने लगी, इम्प्रूवमेंट होने लगा। यहाँ का जो नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर है, बहुत सपोर्टिव है, जिन्होंने हर टाइम उनका ख्याल रखा, उनसे हर टाइम पे बातचीत होती रही कि आप कैसे हो, किस तरीके से आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और मैं इसके लिए जो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन है सुरेश सिंह भदौरिया और अजय सिंह ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनका समर्पण हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आया। देखा जाए तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना संक्रमित मरीजों का अस्पताल प्रबंधन द्वारा परिवार के सदस्य की तरह ध्यान रखा जा रहा है, जिससे यहां कोरोना संक्रमित मरीज भी जल्द ही ठीक हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।